भारत माता की, भारत माता की। बीकानेर वो जगह है जिसका नाम देश में कहीं भी सुने मुंह में पानी आ जाता है। और फिर मुझे तो यहां की धरती पर सावन के महीने में आने का सौभाग्य मिला है। इंद्रदेव का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। और अभी हमारे सीपी जोशी जी बता रहे थे कि सियारो खाटू भलो उनाड़ो अजमेर मारवाड़ नित्रो भलो सावण बीकानेर। यहां के रसगुल्लों की मिठास, यहां की नमकीन और भुजिया का स्वाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मेरे लिए शहर इसलिए भी खास है क्योंकि बीकानेर को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। यहां काशी की ही तरह गौरवशाली अतीत भी है और अध्यात्म भी है। ये पावन धरा मां करणी की धरती है। सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल की तपोभूमि है। ये रुणीचा धाम रामदेवरा के बाबा रामदेव जी, सिद्ध समाज के गुरु जसनाथ जी और भी तेजा जी के भक्तों की धरती है। ये पर्यावरण संरक्षण के प्रणेता गुरु जम्बेश्वर की तपस्थली रही है। ये तेरा पंथ धर्म संघ के आचार्य आचार्य तुलसी की कर्म भूमि रही है। और यहां पुनरासर बालाजी का आशीर्वाद तो प्रत्यक्ष ही मिलता है। इन सभी देवों और संतों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां आए और अभी जैसे बताया चार चार पांच पांच घंटे से कड़ी धूप में आप आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हुए, मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, ये उत्साह बताता है। मैं ऊपर देख रहा हूं, वहां तक लोग ही लोग हैं। ये उत्साह बताता है कि राजस्थान में मौसम का पारा ही नहीं चढ़ा है, बल्कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ चुका है। और जब जनता का पारा चढ़ता है तो सत्ता की गर्मी उतरते और सत्ता बदलते भी वक्त नहीं लगता। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले मुझे राजस्थान के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का अवसर मिला। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को राजस्थान में पड़ने वाला
500 किलोमीटर से लंबा सेक्शन अब शुरू हो गया है। इसके पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का भी शुभारंभ हुआ था। राजस्थान की कनेक्टिविटी के लिए जितना काम भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार जितनी भी योजनाएं लाई हैं, हमारी कोशिश यही रही है उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ राजस्थान को मिले। हमने देश भर के गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए। इसमें से करीब 20 लाख घर राजस्थान के मेरे गरीब भाइयों बहनों को मिलाए हैं। 20 लाख घर हमने देश भर में करीब 50 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले। इस वजह से राजस्थान के 3 करोड़ गरीबों को पहली बार बैंक की सुविधा मिली। कोरोना के मुश्किल समय में यही बैंक खाते गरीबों की सबसे बड़ी ताकत बने। भाई और बहनों, विकास पूरी तरह से जनता तक तब पहुंच पाता है जब देश और प्रदेश की दोनों सरकारें साथ मिलकर ईमानदारी से काम करें। पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में हालात इसके बिल्कुल उलट रहे हैं। हम दिल्ली से योजनाएं यहां राजस्थान में भेजते हैं, लेकिन यहां जयपुर में कांग्रेस का पंजा उस पर झपटा मार देता है। कांग्रेस को राजस्थान के लोगों की परेशानी से, आपकी दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए, घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने की भाजपा सरकार की योजना से भी अब कांग्रेस सरकार को परेशानी है। जिस राजस्थान को जल जीवन मिशन में सबसे टॉप पर होना चाहिए था, वो सबसे धीमा करने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है। आज देश के 130 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां 100% घरों में नल से जल पहुंचा है। इनमें से पूरे देश को 130 जिले, और इसमें से राजस्थान का एक भी जिला नहीं है। अब आप मुझे बताइए, क्या राजस्थान के लोगों ने कोई गुनाह किया है क्या? किस बात की सजा दे रहे हो? क्या राजस्थान के लोगों ने कोई गलती की है क्या? क्या आपको नल से जल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आपके घरों में पानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? देश के 130 जिलों में हो रहा है, आपका एक जिला तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? साथियों, गलती राजस्थान के लोगों की नहीं, गलती यहां की कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस सरकार ने 4 सालों में
राजस्थान का बहुत नुकसान किया है और ये बात कांग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की हार इतनी सुनिश्चित है कि यहां की सरकार अभी से बाय बाय मोड में आ गई है। मुझे पता चला है कि कुछ मंत्री विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं। अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। साथियों, पुरानी कहावत है कि दिया बुझने से पहले जोर से लपलपाता है। अपनी हार के डर से कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। इसके लिए वो राजस्थान के लोगों को गुमराह करने पर उतर आई है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको याद रखना है, कांग्रेस का एक ही मतलब है। कांग्रेस मतलब साथियों आपका प्यार सर आंखों पर, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। साथियों कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। लूट की दुकान, झूठ का बाजार, जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। साथियों, कांग्रेस की झूठ और छलावे की राजनीति का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। आप मुझे बताइए, पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने वादा किया था, इनके नेता ने 10 दिन के भीतर भीतर कर्ज माफी की कसम खाई थी। खाई थी? क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? 10 दिन, 10 महीने और अब 4 साल, कर्ज माफ हुआ क्या? किसानों को कुछ मिला क्या? यहां के किसान इतनी बड़ी मात्रा में बाजरा उत्पादन करते हैं, हमने मोटे अनाजों को श्री अन्न के तौर पर प्रमोट किया, दुनिया में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। बाजरा पड़ोस के हरियाणा में 2350 रुपये प्रति क्विंटल बिका, 2350 रुपया प्रति क्विंटल, और ज्यादा दूर नहीं हरियाणा में, और यहां राजस्थान में वही बाजरा किसान 1300 रुपये में बेचने को मजबूर हो गया। हमने राजस्थान के किसानों के लिए नर्मदा का पानी पहुंचाया, इन्होंने इसे रोकने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों से यही नफरत कांग्रेस की फितरत है, यही इनकी हकीकत है। साथियों, विकास के लिए यह जरूरी होता है कि सरकार ईमानदार भी हो और सरकार स्थिर भी हो। आज दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है,
क्योंकि देश में आज एक स्थिर सरकार है। आपने स्थिर सरकार बना करके मुझे काम करने का मौका दिया है। जिन जिन प्रदेशों ने लगातार स्थिर सरकारों को चुना है, डबल इंजन सरकारों को चुना है, वहां प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? चार साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाएं। ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है, सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले, वो मुझे लूटने दिया जाए। इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया? इस मंत्री कमीशन उस मंत्री के पास कैसे चला गया? पूरी राजस्थान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है। और इस पर पूरी खींचतान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने बेटे का भविष्य बचाने में जुटे हुए हैं। उन्हें राजस्थान के बेटे बेटियों की कोई चिंता नहीं है। इस वजह से भी कई मंत्री विधायक उनसे खार खाए हुए हैं। आप मुझे बताइए साथियों, क्या ऐसे लोग राजस्थान का भला कर सकते हैं? राजस्थान के युवकों का भला कर सकते हैं? राजस्थान के गांवों का भला कर सकते हैं? राजस्थान के किसानों का भला कर सकते हैं? इन लोगों से राजस्थान के विकास की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। भाइयों, इन लोगों को मैं आज दो टूक कह देना चाहता हूं। अब ये भ्रष्टाचार की नुरा कुश्ती बहुत हुई, अब लोकतंत्र के अखाड़े में जनता जनार्दन फैसला करेगी। अब राजस्थान को स्थिर सरकार चाहिए, अब राजस्थान को डबल इंजन की सरकार चाहिए, अब राजस्थान को परिवारवाद नहीं, अब राजस्थान को विकासवाद चाहिए। साथियों, राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है, इसने एक और पहचान बनाई है, भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टिकरण। हालत यह है कि जब भ्रष्टाचार की रैंकिंग होती है तो राजस्थान उसमें नंबर वन आता है, नंबर एक आता है। जो राजस्थान अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था, वहां आज आए दिन सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो रही है। पूरी कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण में लगी हुई है। यहां सिस्टम इतना बेखौफ हो गया है कि पेपर लीक की एक अलग इंडस्ट्री खुल गई है। अब तक 17 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, यानी यहां युवाओं के भविष्य से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। साथियों,
हर जगह स्कूल कॉलेजों को राजनीति से बाहर रखा जाता है ताकि बच्चों का भविष्य खराब न हो। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की लूट ने शिक्षण संस्थानों को भी नहीं बख्शा। यहां के शिक्षक मुख्यमंत्री के सामने आकर कह रहे हैं कि तबादले के लिए खुली घूस चल रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाइयों और बहनों, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में, बलात्कार के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। हालात ये है कि यहां रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, और दुर्भाग्य कि बलात्कार और हत्या के आरोपियों को बचाने में पूरी सरकार जुटी हुई नजर आती है। अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए हमारी बेटियों पर गलत नजर डालने वालों को कांग्रेस संरक्षण दे रही है। राजस्थान के लोग कांग्रेस के इन पाकुपों को अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये महिलाओं के सम्मान की, उनकी आन बान की धरती है, ये राजस्थान की धरती है, ये मां पन्ना धाई की धरती है, ये वो धरती है जहां हाड़ा रानी ने अपने पति को युद्ध में भेजने के साथ ही अपना बलिदान दे दिया था। आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा राजस्थान की रगों में है। इस पर कीचड़ उछालने की हिम्मत करने वाली कांग्रेस को राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अगर सत्ता में रहती है तो खा खा कर देश को खोखला करती है, और जब ये सत्ता से बाहर जाते हैं तो देश को गाली दे देकर बदनाम करने लगते हैं। इनको भारत की प्रगति से इतनी तकलीफ है कि इनके नेता विदेश में जा जाकर के भारत को गाली देते हैं। आपको याद होगा, जब जब देश की सेना ने शौर्य दिखाया है तब तब इन्होंने सेना को भी नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं बोला। सेना कहती है हमने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे तबाह किए, सर्जिकल स्ट्राइक की, तो कांग्रेस कहती है कि सबूत दिखाओ, हमारी वायुसेना पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करती है, तो ये कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। कांग्रेस को सेना और सैनिकों से हमेशा दिक्कत रही है, इसलिए वीरों की धरती राजस्थान, जहां से इतने युवा सेना में जाते हैं, उनसे कांग्रेस चिढ़ी रहती है। हमारी सेना के जवान कितने वर्षों से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने उसकी उपेक्षा की। यही नहीं, सेना के काम में भी ये लोग झूठ और धोखेबाजी से बाज नहीं आए। वन रैंक वन पेंशन के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस सरकार कागज पर केवल 500 करोड़ रुपए दिखाकर ओआरओपी को धोखा दे रही थी। हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू किया, पूर्व सैनिकों को इसके तहत करीब 65,000 करोड़ रुपए मिले हैं। राजस्थान के भी हमारे करीब 1.25 लाख पूर्व सैनिकों को
इसका लाभ मिला है। इससे पता चलता है कि भाजपा और कांग्रेस की सोच में क्या फर्क है, भाजपा और कांग्रेस की नीयत में क्या फर्क है। कांग्रेस अपनी सियासत के लिए देश के नुकसान और अपमान से कभी भी नहीं चूकती, भाजपा के लोग देश के लिए पद प्रतिष्ठा सब कुछ बलिदान करने से भी नहीं चूकते। साथियों, हमारा बीकानेर देश का सीमावर्ती जिला है। संकट के समय ये जिला सबसे पहले देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस जिले की भी उतनी ही उपेक्षा की है। कांग्रेस ने दशकों तक सीमावर्ती इलाकों को जानबूझकर विकास से वंचित रखा। आज हम बॉर्डर पर हाईटेक सड़कें बना रहे हैं, सीमावर्ती गांवों को विकास को पहली प्राथमिकता बनाकर हमने वाइब्रेंट विलेज स्कीम शुरू की है। लेकिन इन सभी प्रयासों का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब यहां डबल इंजन की सरकार होगी। इसके लिए हमें अभी से तैयारियों में जुट जाना है। जीत तय मानकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को मेहनत में कमी नहीं करनी है। हमें दूसरे की कमजोरियों पर नहीं, अपने परिश्रम पर भरोसा करना है। साथियों, मैं पिछले दिनों राजस्थान में जहां जहां गया, जो जनसैलाब मैंने देखा है, राजस्थान के लोगों का जो मक्कम निर्धार देखा है, इसलिए मैं आज दावे से कहता हूं कि बहुत ही जल्द राजस्थान की सरकार का जाना तय है। साथियों, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे भरोसा है कि आप राजस्थान में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और जैसे अभी हमारे बीकानेर के सांसद मेघवाल जी नव रंग की बात करते थे, इस नव रंग को चमकाने के लिए इस शुभ अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसका फ्लैश चालू कीजिए और इस नवरंग का प्रकाश लोगों को पहुंचाइए। हर किसी के मोबाइल फोन का फ्लैश चालू कीजिए, शाबाश। दूर दूर तक हर एक के मोबाइल का फ्लैश चालू करिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।